आज तक हिंदुस्तान रहेगा, राहुल तेरा नाम रहेगा, राहुल देविलाल अमर रहे, राहुल देविलाल अमर रहे। किसानों के मसीहा जननायक चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर आज उन्हें देश भर में याद किया जा रहा है। देश भर में आज श्रद्धांजलि सभाएं और हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी ने सेक्टर 2 में स्थित देवीलाल पार्क में जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में शाहबाद के विधायक रामकरण काला, जजपा नेता कुलदीप मुल्तानी, डॉक्टर जसविंदर खैरा, सुनील राणा, राजेश पायलट, जसबीर पंजेटा, योगेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी नेताओं ने जननायक देवीलाल को किसानों का मसीहा बताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मैं चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर मैं पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे हिंदुस्तान में देवीलाल का नाम रहा तो आज उसके नाम के ऊपर जो आज सारे इकट्ठे मैं उनको पूरी पूरी बधाई दूंगा। और हम हर साल ऐसी इसका याद रखते हैं और हर साल में दो बार तीन बार जब भी देवीलाल का कोई भी वो आए हम उसको मनाते हैं बड़ी अच्छी तरह। देवीलाल का पूरा नाम याद उसी चलता रहेगा, पूरी जब तक रहेंगे जब तक नाम चलेगा। हरियाणा के मसीहा चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर हम सभी जननायक जनता पार्टी के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए उनको नमन करने के लिए, जहाँ आज सारी दुनिया, सारा हरियाणा उनको नमन कर रहा है। मैं ये चाहूँगा पूरे हरियाणा वासियों से कि उनके पद चिन्हों पर चलें और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें इतनी क्षमता प्रदान करें कि हम उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके अधूरे कामों को हम पूरा कर सकें। हम कोशिश करें कि उनके जो बताए मार्ग पर हम चल सकें। हम सभी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी स्वर्गीय गरीब के हितैषी ताऊ देवीलाल जी के चरणों में उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस देश में चौधरी देवीलाल एक विचारधारा थे और उन्होंने जो कार्य गरीब कमेरे वर्ग के लिए किए वो एक अतुलनीय उदाहरण है और उसी के 19 स्कीमों को आज सरकारें नाम बदल करके चला रही हैं। वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और उसका अनुपालन करें। आज हम चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर जो हमारे हरियाणा के निर्माता हैं और भारतवर्ष के मसीहा हैं, सभी जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र के साथी आज उनके मूर्ति पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी साथियों ने उनको पुष्प चढ़ाकर नमन किया है और सभी साथी प्रण लिया है कि हम चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर जननायक जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हुए सभी साथी हरियाणा के कोने कोने में जाएंगे और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे।